नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस आर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मूर्ति पेंटिंग के ऊपर है। जो मूर्ति पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं उनको बताने वाला हूं कि मार्बल के ऊपर कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सब्सक्राइबर्स के फोन आ रहे थे मेरे पास और कई सारी जानकारी मेरे से ले रहे थे मार्बल मूर्ति पेंटिंग के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने उनको वैसे संतुष्टिजनक उत्तर भी दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ मार्बल मूर्ति पेंटिंग के ऊपर है और दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्बल मूर्ति के ऊपर कौन कौन से कलर यूज होते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये कई सारे कलर मेरे पास है और आज हम आए शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में जो मूर्तियां हैं मार्बल की, इन मूर्तियों के ऊपर हमें कलर करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ताकि आपको सारी जानकारियां मिल सके। ये ऑयल पेंट है एपकोलाइट का, एशियन में एपकोलाइट का कलर यूज करें मार्बल मूर्ति के ऊपर। और उसके बाद ये है एक्रेलिक कलर, ये देख सकते हैं आप, एक्रेलिक कलर जिसको हम फैब्रिक कलर बोलते हैं, जो कपड़े के ऊपर भी यूज होता है, ये फैब्रिक कलर है। ये भी हम मूर्ति के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कलर होता है वाटर बेस और ये होता है ऑयल बेस। उसके बाद ये है मेटलिक कलर, देखिए दोस्तों, ये सारे मेटलिक कलर हैं, जैसे गोल्डन हो गया और इसी में सारे पिंक है, ब्लू है, ये सारे कलर, ऑरेंज है, सारे कलर हैं मेटलिक में है। ये मेटलिक में फ्रेंड्स हम ये बहुत अच्छा कलर होता है और इसकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है, और ये वैसे रहता है वाटर बेस, लेकिन इसकी पकड़ बहुत अच्छी रहती है, ये वैसे निकलता नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो हमारा फैब्रिक कलर है ये निकल जाता है दोस्तों, जैसे अभी हम यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे ये ग्रीन कलर लिया हमने और ये मार्बल के ऊपर अभी हम यूज करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों, देखिए ये हमने यहां पर यूज किया दोस्तों, ये वाटर बेस है, तो दोस्तों देखिए हमने इसको यहां पर ये फैब्रिक कलर यूज किया है ग्रीन कलर, लेकिन ये दो फ्रेंड्स सूखने के बाद अगर हम इसको पानी से पोछेंगे तो ये निकल जाएगा, अगर गीले कपड़े से हम इसको साफ करेंगे तो ये निकलने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसके ऊपर हम ये क्लियर वार्निश कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए क्लियर वार्निश है, एशियन पेंट में है ये क्लियर वार्निश, मैं आपको खोल के बताऊंगा दोस्तों, ये इस तरह से आती है क्लियर वार्निश। तो इसको इसको सूखने के बाद फ्रेंड्स, ये जब कलर सूख जाएगा, सूखने के बाद हम इसके ऊपर ये क्लियर वार्निश कर देंगे, तब ये कलर नहीं निकलेगा, अन्यथा ये निकल जाएगा। हम क्लियर वार्निश की जगह फ्रेंड्स ये स्प्रे भी कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों क्यूब का आता है ये, इसको बोलते हैं क्लियर स्प्रे। आप ये रेडियम की शॉप से या फिर पेंट्स की शॉप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लियर स्प्रे, इसको हिलाकर हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इधर करता हूँ हल्का सा कोने में, तो फ्रेंड्स अभी इस कोने पर हमारा पेंट के ऊपर स्प्रे किया हुआ है और इधर नहीं किया हमने, तो देखिए इधर का पेंट निकल जाएगा, इधर का पेंट नहीं निकलेगा। तो देखिए दोस्तों अब ये स्प्रे भी सूख गया है और ये कलर भी सूख गया है, हम देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको गीले कपड़े से साफ करेंगे, तो
देखिए इस साइड पर हमारा स्प्रे हमने नहीं किया था, तो हम देखिए ये आप देख सकते हैं ये कलर निकल गया दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। और इसी गीले कपड़े से अब हम इधर साफ करेंगे जहाँ पर हमने स्प्रे किया था। तो ये देखिए दोस्तों नहीं निकल रहा है कलर, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, बिल्कुल कलर नहीं निकलेगा। लेकिन इस साइड पर ये कलर देखिए, ये देखिए निकल रहा है दोस्तों, ये पूरा निकल गया कलर इस साइड पर। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप या तो वाटर कलर, वाटर बेस में जो भी कलर हो अगर आप यूज़ करते हैं मार्बल के ऊपर, तो उसके ऊपर हमें क्लियर स्प्रे या फिर क्लियर वार्निश करना अति आवश्यक हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर ये ऑयल पेंट हम यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ऑयल पेंट में हमें क्लियर वार्निश या फिर क्लियर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्वतः ही ग्लो आता है दोस्तों, वैसे ये चमकदार होती है और इसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसके ऊपर हमें कोई क्लियर वार्निश या क्लियर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो अब हम यूज़ करेंगे दोस्तों मैटलिक कलर पर्ल। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास गोल्डन कलर है मैटलिक में, और इसको हम यूज़ करेंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा होता है, ये दोस्तों वाटर बेस होता है वैसे तो, लेकिन इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों हम इस मैटलिक कलर से इनके जो वस्त्र होते हैं गणेश जी की, जैसे धोती हो गई तो उसे हम पीले कलर से कर सकते हैं, और माता जी की साड़ी हो गई उसको भी जैसे हम पिंक कलर से कर सकते हैं, उसके 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 साथ साथ जो गणेश जी का जो ये वाला वस्त्र है इनको भी हम जैसे ये ग्रीन कलर से कर सकते हैं। तो इस पर ऑटोमेटिक ग्लो भी रहेगा और पकड़ भी अच्छी रहेगी दोस्तों, और इसके ऊपर अगर हम स्प्रे भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑयल पेंट के ऊपर हमें स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे में थिनर मिक्स होता है और वो ऑयल पेंट को निकाल सकता है दोस्तों। अगर हम ऑयल पेंट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ऑयल पेंट कलर पपड़ी बनकर निकल सकता है, इसलिए हमें ऑयल पेंट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। हमें वाटर बेस में या फिर जैसे फ्लोरोसेंट हो गया या हमारा मैटलिक हो गया इसके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, हम क्लियर वार्निश कर सकते हैं ऑयल पेंट के ऊपर, क्लियर वार्निश में कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लियर वार्निश ऑयल पेंट के ऊपर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग आपको सारी जानकारी मैंने बता दी है कि फ्लोरोसेंट कलर कैसे यूज करना है, फैब्रिक कलर, उसके साथ साथ ऑयल पेंट और ये मेटलिक कलर। और भी दोस्तों अगर आपको मार्बल मूर्ति पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा अगर आपको कोई समस्या हो इसमें, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।